सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए टेंस चलेगा हमारा, टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, संरचना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी होगा चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लुरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे है। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड और दूसरे शब्द होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे आई हैड प्लेड, मैंने खेला था फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली थी इन द मॉर्निंग बराबर था। अब देखो इस सेंटेंस की संरचना कैसी हुई है, सब्जेक्ट आई हैड का यूज किया हमने, बी थ्री प्ले, प्ले क्रिया होती है इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्ले, प्लेड का प्रयोग कर दिया, ऑब्जेक्ट फुटबॉल हो गया, अदर वर्ड दूसरे शब्द इन द मॉर्निंग, आई हैड प्लेड मैंने खेला था, मैं खेल चुका था फुटबॉल, फुटबॉल खेल चुका था इन द मॉर्निंग प्रातः था। ऑल सब्जेक्ट, सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर डेट हैड हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर डेट बी थ्री एंड देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, इस प्रकार से हमारा ये आई हैड प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ये तो होगी संरचना, स्ट्रक्चर बन गया ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस, जो साधारण बात होता है उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, व्हेन आई कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, अवर स्ट्रक्चर ही, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा नकारात्मक जब हम बात बनाएंगे। जैसे आई हैड नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला था फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेली थी इन द मॉर्निंग प्रातः का, तो ये नेगेटिव में स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाएंगे, व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रश्नवाचक के लिए है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी थ्री आएगा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, हैड आई प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग इन द लास्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर इन द लास्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क, हैड आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका था फुटबॉल, फुटबॉल को इन द मॉर्निंग, क्या मैं प्रातः काल फुटबॉल को खेल चुका था। स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस से हमने दो प्रकार की सेंटेंस को क्रिएट कर दिया, नेगेटिव हैड नॉट, वी यूज हैड नॉट टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस, वी यूज इंटरोगेटिव, जब इंटरोगेटिव प्रयोग करते हैं वी यूज हैड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो प्रारंभ में हैड का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर भी इन द बिगिनिंग वी यूज हैड, आई सब्जेक्ट प्लेड वर्ब फुटबॉल ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग अदर वर्ब, इस प्रकार हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ समाप्त। अगला नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है देखो, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, जो एक टेंस होता है हमारा काल होता है वो क्या करता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी काल को व्यक्त करता है, That was going on for a period, वह काल समय के अनुसार चलता रहता है, of time, in the past, past में चला जाता है, and which is related to some other event, और दूसरा सेंटेंस बनता है उसमें कुछ घटना होती है और एक्शन इन द पास्ट, वह जो काल होगा वो भूतकाल में जाएगा। द सेकेंड इवेंट, इसमें दो काम होती है, फर्स्ट इवेंट और सेकेंड इवेंट, द सेकेंड इवेंट और एक्शन, जो सेकेंड इवेंट होता है एक्शन होता है, मे बी स्टेटेड और मे इम्प्लाइड,
द फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसकी स्ट्रक्चर यहां पर क्या दे रखा है, हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपेंट ऑफ द मेन वर्ब। जो प्रेजेंट पार्टिसिपेंट होगा वो किसका होगा, मेन वर्ब का। जैसे दे हैड बीन विजिटिंग द मेन स्टेशन फॉर द लास्ट सिक्स ईयर। इसमें समय बहुत ही कंपल्सरी होता है, इसमें समय नोट किया गया है लास्ट सिक्स ईयर, जहां पर टाइम होता है तो वो टेंस हमारा कहलाता है पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर इसका ये है, सब्जेक्ट के स्थान पर दे लिखा है, हैड का यूज किया है, बीन आ गया है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे तीन होती है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है हमारा। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयोग हो रहा है। दे हैड बीन विजिटिंग द हिल स्टेशन फॉर द लास्ट सिक्स इयर्स। इस प्रकार हमारे दो टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, पास परफेक्ट टेंस और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।